कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? आप देख रहे हैं चैनल सर्वकार विहित। जॉब की ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैनल है और आप सब लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एयरफोर्स के अंदर एरो ट्रेड की पोस्ट क्या होती है और एरो ट्रेड की पोस्ट पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसे हासिल कैसे किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स मैट्रिक कर रहे हैं या मैट्रिक के बाद FSC कर रहे हैं, ISS कर रहे हैं या FA कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो इस वीडियो को लाजमी सुनिए, पूरा सुनिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और बाकी बहन भाई में से किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं देन भी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। मैं वीडियो के स्टार्ट में एक बात लाजमी बोल देता हूँ कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है क्योंकि ज़रा कोशिश करता हूँ कि आराम सुकून से आपको सारी बातें समझाऊँ। जल्दबाजी में तेज़ बोल के जिस तरह शुरू में मैं अभी तक बोल रहा हूँ राइट, फटाफट करके मेरी उलझन होती है। मैं कहता हूँ शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बातें उस तरीके से समझ में नहीं बैठेंगी। तो ये मैं रखिएगा, अगर मंजिल को हासिल करना है तो हमारी वीडियोस को देखें। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं तो हमारी वीडियो को अभी स्किप करें और कहीं और चले जाएँ, किसी और चैनल पर जाकर वीडियो देख लें, लेकिन हमारी वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ वही बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखें जिनका मकसद किसी चीज़ को हासिल करना है, जिनके वालदैन ने उनकी सही तरबियत की है और जिनके अंदर वतन के बारे में थोड़ी बहुत मोहब्बत अभी ज़िंदा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। पाकिस्तान एयरफोर्स फोर्सेस का एक बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट और बड़ा अहम डिपार्टमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स राइट। पाकिस्तान एयरफोर्स में मैट्रिक बिहार पे वैकेंसीज आती हैं जिनकी जिसमें 16 साल से लेके 20 साल तक की उम्र के बच्चे अप्लाई करते हैं मैट्रिक बिहार पे राइट। मैट्रिक में जिस बच्चे के 60% मार्क्स हैं, 65% मार्क्स हैं या 55% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका ताल्लुक फाटा से है, बलूचिस्तान से है या कराची या सिंध जैसे इलाकों से होता है, उनका कोटा सिस्टम होता है जिसमें उनकी परसेंटेज काफ़ी हद तक कम कंसिडर कर ली जाती है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा इस बात को कि उनका क्राइटेरिया में कोटा ज़्यादा होता है, वहाँ बच्चे नंबर कम लेते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आपको पता है चीटिंग वगैरह होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो मैं सारी बातें यहाँ खुल के नहीं बता रहा आप सबको, सब कुछ पता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं जब वहाँ अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रखने के लिए भी, और उनकी सैलरी पैकेज भी आपकी नस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें उन एरियाज़ की वजह से एक इंसेंटिव मिलता है बोनस, जिसकी वजह से सैलरी में 1000-2000 रुपये का क्या हो जाता है फ़र्क हो जाता है। अब वो बच्चे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं राइट, खारियाँ गुजरात की तरफ से आते हैं लाहौर में और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं अपने ख्वाबों को पूरे करने की कोशिश करते हैं, इस बात को ज़हन में रखें कि मैट्रिक बायो पर यहाँ लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोगों ने मैट्रिक बायो के साथ की हुई है तो मेडिकल फील्ड में अप्लाई करें, कंप्यूटर के साथ की हुई है तो एरो ट्रेड में अप्लाई करें, अगर आप जौन से मैट्रिक आर्ट्स के साथ की हुई है तो आप ड्राइवर वगैरह में अप्लाई कर लें। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिविलियन की जॉब्स आती हैं अगस्त के अंदर राइट, वहाँ अप्लाई कर लें। UDC LDC की पोस्ट आती है वहाँ पर। अच्छा, ज़हन में रखिएगा पाकिस्तान एयरफोर्स में जब आप अप्लाई करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि एयरमैन का मतलब ये है एरो ट्रेड, एरो ट्रेड हो गया या GC पोस्ट हो गया या फिर हम डिफरेंट एरो टेक्नीशियन पोस्ट होगी, इस तरह नहीं है। एयरमैन एक ना उस तरह का नाम है जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक सोल्जर होता है, पाकिस्तान आर्मी बोलते हैं ना ये सोल्जर है, ये स्पाई है ठीक है, और वहाँ पर बोलते हैं ऑफिसर को क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट बोलते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर को बोलते हैं फ्लाइंग ऑफिसर और जो स्पाई होता है उसे बोलते हैं एयरमैन। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया, क्लियर हो गया? यानी पाकिस्तान आर्मी के अंदर बोलते हैं सोल्जर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बोलते हैं एयरमैन और पाकिस्तान नेवी के अंदर बोलते हैं सेलर, यानी तीनों के नेम डिफरेंट है लेकिन ये तीनों जो से मैट्रिक बेहाब पे जॉब्स आती हैं, और जो इंटर बेहाब पे जॉब्स आती हैं वो पता है नेवल ऑफिसर होता है, लेफ्टिनेंट होता है और फ्लाइंग ऑफिसर होता है, डिफरेंट कैटेगरी उसके अंदर दे दी जाती है। अब हम बात करें से मैट्रिक बेहाब में जिन बच्चों के मैट्रिक में 65% या 60% मार्क्स हैं, वो इस बात को ज़हन में रखें कि यहाँ लाजमी अप्लाई किया करें, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एरो ट्रेड के अंदर अप्लाई करें या किसी और के अंदर अप्लाई करें जो आपको बेहतर लगता है। आप GC पोस्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी है तो, क्योंकि उसमें हाइट पाइयर पहले मैयर होती है, उसके बाद जाके इनिशियल टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक होता है, पहले जो सा है वो ये टेस्ट होता है आप लोगों का हाइट वगैरह का GC पोस्ट के अंदर। उसके अंदर परसेंटेज भी मेरे ख्याल से 60% से नीचे 58% या 57% वाले को भी कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि हाइट ज़्यादा मैटर करती है। उसके अंदर वही स्टूडेंट्स उससे निकल के MP पुलिस यानी मिलिट्री पुलिस वगैरह के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग देते हैं। अब बात करें एरो ट्रेड के अंदर, एरो ट्रेड की जॉब और सैलरी पे की बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह, 35+ सैलरी उन्हें मिलती है और ट्रेनिंग के विद इन द 1 ईयर के अंदर वो 40 क्रॉस कर जाते हैं राइट। हाउस मिलता है उन्हें 5 महल का राइट, फैमिली को रख सकते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलता है, बच्चों की तालीम मिलती है, PF गैजन जैसे अच्छे स्कूल एंड कॉलेज के अंदर डिस्काउंट के साथ होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है और अलॉट ऑफ दी फैसिलिटीज़ होती हैं राइट। लेकिन वहाँ होना इतना आसान नहीं है जो बच्चों को लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब मैट्रिक बायो आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता।
आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करने की आदत नहीं होती, आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ करने की आदत नहीं होती, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर पढ़ के चले गए होते हैं और आपको लगता है कि अब मैं वहाँ जाकर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाने के लिए आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि हमारी अकेडमी आपको देगी बिल्कुल मुफ्त। पिछले 7 सालों से मुफ्त ही तैयारी करवा रही है तमाम बच्चों को। अब अपने पॉइंट्स को क्लियर करें। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, इन तीन की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, वो आप लोग अभी करना शुरू हो जाएं, क्योंकि अगस्त सितंबर के अंदर दोबारा जॉब्स आएंगी तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा और हम आपको तैयारी लाजमी कराएंगे। अभी आप लोग क्या करें, इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना शुरू करें, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्टिंग डायरेक्ट, ईडियम्स जो आपने क्लास 10 के अंदर पढ़े हैं उन्हें ज़रा रिवाइज़ करें प्रॉपरली तरीके से, और क्रिएटिव राइटिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। 9th-10th की फिजिक्स की बुक के जो डू यू नो होते हैं, छोटे छोटे साइड पर लिंक दिए होते हैं राइट, उन सबको पढ़ लें। फर्स्ट ओकेजन, सेकेंड ओकेजन, थर्ड ओकेजन, पता है आपको सारी आती होगी राइट। बताएँ फर्स्ट ओकेजन क्या होती है, बस बताएँ ना, नहीं पता चल रहा। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्केयर, थर्ड क्या होती है, 2S इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर। आपकी पूरी किताब ये याद है, कभी मौका मिला तो सुना दूंगा ठीक है। वो सारी चीज़ें इक्वेशन आपको सारी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्लास 10th की भी फिजिक्स की बुक के बारे में इसी तरह होना चाहिए। मैथ जो है ना, मैथ के बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9, जो है 9 का पता है ना आपको, वो जिसका डिस्टेंस वाला है, मिड पॉइंट वाला, आ गया ना जेन में, x2 - x1/2 आ गया जेन में, सॉरी x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2 और बाद में अगर हमने वो अंडरूट वाला करना है राइट, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें लेदर लेदर उन दोनों को करते हैं। तो वो सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लेने हैं और क्वेश्चंस को आपको फिंगर टिप्स पे सॉल्व करना आना चाहिए, ना कि कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ तक पॉइंट हो गया। अब वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी कैसे की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, कम से कम 1 घंटे की वीडियो होगी। अगर आप चाहते हैं वर्बल नॉन वर्बल पर हम वीडियो बनाएं, तो हम वीडियो बना देंगे उस पर, और उसके ज़रिए आपकी जो सी तैयारी हो जाएगी। और पाकिस्तान एयरफोर्स को आप ज्वाइन करेंगे मैट्रिक के बाद, 16 साल की उम्र में आप ज्वाइन करेंगे, 18 साल की उम्र में आपका निकाह हो जाएगा और 19-20 साल की उम्र में आपके बच्चे भी होंगे। बाकी लोग बीए कर रहे होंगे और आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारी वीडियोज़ को जहाँ तक हो सकता है शेयर कीजिएगा, और आपके लिए बहुत जल्द वर्बल नॉन वर्बल की वीडियो लेके आएंगे। अगर आप 1 घंटे की वीडियो सुनना चाहेंगे तो लेके आएंगे, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो फिर हम लोगों को समझा देंगे, लेकिन आपके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम वो करेंगे जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहे हुआ स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।